नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं डाली मॉनेस्ट्री में और दिस इज़ द लुक। आप देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, पीसफुल जगह है। और मैं अभी यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लास्ट मैं आई थी 2019 में और आफ्टर लॉकडाउन ये फिर से मेरा आना हुआ है। अब अगर देख सकते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की खूबसूरती जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं अभी ये जो अंदर मैं दिखाती आप लोगों को वो अभी बंद है, लेकिन आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है। एंड नज़ारा देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत है, साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब आगे की जर्नी में आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ का फिलहाल आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा रही हूँ जो बहुत ही मनोरम दृश्य है। और सच मानिए तो मैं इस तरह की जगह ढूंढते रहती हूँ जहाँ मैं आराम से मेडिटेशन कर सकूँ, थोड़ा पीसफुल रह सकूँ, क्योंकि हम काम में बिज़ी रहते हैं, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर बिज़ी रहते हैं, लेकिन अपने मेंटल पीस के लिए ऐसी जगह हम ज़रूर ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, जिसको देखने भर से मन नहीं भर रहा है, सच मानिए तो। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं दार्जिलिंग ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरी ज्वेलरीज के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, स्टोन्स के लिए और जेम्सस्टोन ज्वेलरीज, प्रेसियस ज्वेलरीज जो मुझे शायद कहीं और नहीं मिलता है। और मैं जो भी पहनती हूँ, जो भी ज्वेलरीज पहनती हूँ, वो स्टोन की होती है। थोड़ी हटके पहनने की कोशिश करती हूँ कि उसे कोई रिपीट ना करे, मेरी ज्वेलरीज कोई फिर ना पहने, ऐसे मैं ज्वेलरीज ढूँढती हूँ तो मुझे मिल भी जाती है। ठीक है, तो आप चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, और मैं आगे की जर्नी आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। चलिए, ये तो
अभी मैं आ चुकी हूँ तिस्ता नदी के पास, जो कि है दार्जिलिंग में। और ये त्रिबेनी, याद रखिएगा, त्रिबेनी इस जगह का नाम है, त्रिबेनी ही कहते हैं। मैंने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये त्रिबेनी है, और यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला आप लोगों को यहाँ के पत्थर जो है ये मुझे बहुत पसंद है। और पत्थरों में जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये शेप अलग होता है और इसके कलर्स भी बहुत अलग होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इनमें ना एक जादू लगता है मेरे को। जादू ये कि कभी भी मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, मुझे क्रिस्टल से लगाव है, मुझे जेम स्टोन से लगाव है, मुझे बहुत सारे पत्थरों से लगाव है, लेकिन मैं जब कुछ नेचुरल स्टोन्स जो मेरे पास इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि मुझे आना पड़ता है तिस्ता नदी के पास, तो मैं यहाँ से ले जाना नहीं भूलती हूँ और अपने साथ ज़रूर लेकर आती हूँ। मैं आपको कुछ स्टोन ज़रूर दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा ये पूरा टोटल चीज़, जो कलर्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इसमें फिसलन है, और आप देखो पर अपन तो मेरा गच्ची ना स्पेशल टक वर्सी। मैं आपको एक स्टोन दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और मैं बहुत शौकीन हूँ स्टोन्स का। अगर आप देखोगे इसमें एक चमक है, तो ये मुझे और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे स्टोन्स कलेक्शन का बहुत शौक है। आप मुझे देख भी रहे होंगे, मैं ब्रेसलेट, मैं जो अभी नेक पीस पहना हुआ है ये भी स्टोन के है, और साथ में आपको दिखाती हूँ, आप देखो ये बहुत अच्छी जगह है, प्योर फ्रेश एक जगह है जहाँ पर मैं स्टोन्स लेने ज़रूर आती हूँ, साथ में प्रकृति का मज़ा ज़रूर देखती हूँ। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ आज लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद शायद लोगों को ज़्यादा मौका मिला दार्जिलिंग आने का, और लोग आए भी हैं। और वहाँ आउटसाइड पूरा जंगल है, और साथ में वहाँ पर पानी भी है, और आप अगर देखेंगे वहाँ राफ्टिंग हो रहा है, राफ्टिंग का मज़ा सबको ही लेते हैं, बट मुझे पर्सनली मुझे राफ्टिंग से बहुत डर लगता है, मैं राफ्टिंग की तरफ नहीं जाती हूँ, यहाँ पत्थर लेने आती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरे दिन के घूमने के बाद ये अभी हम लोग लास्ट जो यहाँ पर आए हैं वो है मैगी खाने, यानी हम लोग अभी खाएंगे वाई वाई। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग हिली एरियाज़ में आते हैं तो वहाँ पर वहाँ का खाना, जैसे कि मोमो, मैगी, वाई वाई, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आज जो पूरा दिन का जर्नी था, ये हम लोग रुक रुक कर गए हैं, मज़े भी बहुत आए हैं, और मैं आप लोगों को आज का जर्नी पूरा दिखा चुकी हूँ। तो बस अब आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।